नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं आजाद वीआईपी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद भदोही के सूर्यावा थाना क्षेत्र के बिंद नगर गाँव में। एक प्रेमी और प्रेमिका का मामला आया था जिसमें दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। प्रेमिका बिंद थी और प्रेमी विश्वकर्मा था। किसी बात को लेकर प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी और मौके पर ही हत्या हो गई। फिलहाल प्रेमिका के माँ का आरोप है कि जो प्रेमी था आए दिन उस लड़की को छेड़ता था, लेकिन जो प्रेमी की माँ का भी आरोप है कि प्रेमिका अपने प्रेम जाल में फंसाई थी। किसी बात को लेकर कहा सुनी हुआ मेरा बेटा उसे गोली मार दिया, लेकिन प्रेमिका का माँ का आरोप ये भी है कि मेरी बेटी रात को शौच के लिए गई थी मेरी ननद के साथ में, अचानक प्रेमी कहीं इधर उधर छुपा था और पकड़कर उसे गोली मार दी। प्रेमी अपने भाई के साथ वहाँ मौजूद था। फिलहाल ये प्रशासन का जांच का विषय है, किसने गोली कहाँ मारा, कितने लोग थे। आइए देखते हैं उसकी माँ की क्या आरोप था, क्या है पूरी रिपोर्ट। बड़े बेटे को लगे फोन लगाया, उसको बुलाया, उस अपने ससुर जी के लगे फोन लगाया। उसने सोचा कि कोई ढेला वाला से अपन भाई बहन में झगड़ा किया होगा, मार दिया है, तो कहें कि उसको लेके भेजो, हम मलहन पट्टी करवा देते हैं। तो हम कहे कि मलहन पट्टी करवा ना ही लाया ना ही है, हमार बिटिया तक खत्म हो गई बा है, अब हम का करी। तब फोन लगाए, तब अपने आदमी के लगे फोन लगाए, सब वहाँ से गिरत भारत भागत दौड़त सब चलाए आयन आयन, तो यहाँ हमारे बिटिया के जानना। कुल डर लगा, क्यों नहीं डर लगेगा, हम लोग भी तो इसी गांव के लड़कियां हैं, हमारी भी तो बहनें हैं, हम लोग भी तो हैं, इसी गांव के हैं। तो भाई ये तो हमारे घर की बात है, ऐसी बात नहीं है, दूर कहीं नहीं, हम लोग पास के ही हैं। उसके बाद हम दोनों जा रहे थे, आगे आगे वो थे, पाछे पाछे हम थे। उसके बाद उसका मुंह चाप कर ले भागे, जब हमको पकड़ने के लिए कोशिश करे तो हम भागे, भाग कर आए, भेस होकर गिर गए। उसके बाद हम नहीं जाए।